वहाबुद्दीन हत्याकांड का आरोपी गिरफ्तार, कंचनपुर पुलिस ने किया पर्दाफाश। कंचनपुर बड़ी की प्रमुख खबर। 21 दिसंबर को भीमगढ़ के जंगल में वहाबुद्दीन खान उर्फ साधु बाबा की चार टुकड़ों में कटा हुआ शव मिला था, जिसकी जांच के लिए एसपी धर्मेंद्र सिंह के निर्देशन पर कंचनपुर थाना प्रभारी हेमराज शर्मा के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन किया गया। पुलिस टीम ने लगभग 2 दर्जन स्थानों पर छापेमारी और कॉम्बिंग कर अभियुक्त की तलाश की गई। पुलिस टीम के कठिन प्रयासों, साइबर लोकेशन एवं मुखबिर की सूचना पर हत्याकांड के नामजद आरोपी महेश दास उर्फ जालिम सिंह यादव को आज मथुरा उत्तर प्रदेश के बस स्टैंड से गिरफ्तार किया गया। एसपी धर्मेंद्र सिंह के निर्देशित में गठित पुलिस टीम में थानाधिकारी हेमराज शर्मा के साथ आशुतोष एसआई, प्रभारी साइबर सेल धौलपुर उमाशंकर, एएसआई राजकुमार, हेड कांस्टेबल विश्वेंद्र सिंह, उमेश सिंह, सोनवीर कांस्टेबल शामिल रहे एवं दूसरी टीम में गजन सिंह एएसआई, केदार सिंह एवं मान सिंह हेड कांस्टेबल, रामनिवास एवं पूरणमल कांस्टेबल शामिल रहे। 21/12/22 को थाना हजापुर सुबह प्रातः करीब 9 बजे इतला प्राप्त हुई कि गांव भीमगढ़ के बहाबुद्दीन नाम के शख्स की लाश बामी नदी के किनारे गुफा नामक स्थान के पास मिली है। उक्त इतला की तस्दीक हेतु मन एसएचओ हेमराज शर्मा मैं जाप्ता के उच्च अधिकारियों को अवगत कराते हुए मौके पर पहुंचा। लाश को देखा, बोरे को खोलकर देखा तो उसमें एक शख्स के हाथ पैर एक बोरे में और धड़ एक बोरे में था और सिर गायब था, जिसकी पतारसी आसपास नदी में जंगल में डॉग स्क्वाड, सिविल डिफेंस, एसडीआरएफ के माध्यम से करवाई गई, स्थानीय गोताखोरों के माध्यम से करवाई गई, लेकिन कोई पता नहीं चला। मौके पर श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदय, सीओ साहिबान, एडिशनल एसपी साहिबान पधारे। श्रीमान एसपी साहब द्वारा प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए विभिन्न टीमों का गठन किया एवं तत्परता से अनुसंधान करने एवं साक्ष्य संकलन कराने में अहम सहयोग प्रदान किया एवं मनोबल बढ़ाते हुए समस्त टीमों को मोटिवेट किया, जिस पर उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले के थाना सहावर के गांव अल्लादीनपुर के महेश दास उर्फ जालिम सिंह पुत्र मनोहर सिंह जाति अहिल उम्र करीब 55 साल को आज तलाश करते हुए मुखबिर की सूचना पर बस स्टैंड मथुरा से गिरफ्तार किया जा चुका है। प्रकरण हजा में अनुसंधान जारी है। 5,000 का इनामी बदमाश सोने का गुर्जा थाना पुलिस ने किया गिरफ्तार। बड़ी की प्रमुख खबर। एसपी धर्मेंद्र सिंह के निर्देशन में इनामी अपराधियों को लगातार गिरफ्तार किया जा रहा है। पुलिस उपाधीक्षक बाड़ी मनीष कुमार शर्मा ने बताया कि इसी क्रम में आज सोने का गुर्जा थाना प्रभारी यशपाल सिंह ने हेड कांस्टेबल गिरीश कुमार एवं कांस्टेबल देवेंद्र की सूचना पर दस्यु केशव गुर्जर गैंग के सक्रिय सदस्य रामब्रज गुर्जर खोटाबाई को सोहन बाबा मंदिर के पास से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। 5,000 के इनामी अपराधी रामब्रज सिंह को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में सोने का गुर्जा थाना प्रभारी यशपाल सिंह के साथ गिरीश कुमार, सोहन सिंह हेड कांस्टेबल, देवेंद्र, श्यामवीर सिंह गिरधारी, हरिओम कांस्टेबल शामिल रहे। केशव डकैत काफी समय से राजस्थान, एमपी, यूपी में काफी जगह वांछित चल रहा है। इसने एक अपनी गैंग बना रखी है। इस गैंग का काफी पिछले समय से इसमें शामिल रहा रामब्रज गुर्जर को हमने आज गिरफ्तार किया है। और जो थाने की टीम थी उसमें गिरीश हेड कांस्टेबल, मोहन सिंह हेड कांस्टेबल, देवेंद्र कांस्टेबल, गिरधारी कांस्टेबल, श्यामवीर कांस्टेबल और स्वयं मैं भी शामिल रहा। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय ने काफी समय से केशव गुर्जर गैंग के ठिकानों पर दबिश दिलवाई गई है। हम भी लगातार उस पर नजर बनाए हुए थे, तभी हमें सूचना आज प्राप्त हुई कि भाई केशव गुर्जर जो गैंग है उसका कोई सदस्य या केशव गुर्जर गैंग सोन बाबा मंदिर के आसपास जो जंगल हैं वहां पर हो सकती है। तो सूचना पर हमने एक टीम, विशेष टीम गठित कर आसूचना के लिए देवेंद्र कांस्टेबल और गिरीश हेड कांस्टेबल को भेजा था, जिन्होंने इस सूचना को सही पाया और उस पर हमने आज कार्रवाई करते हुए रामब्रज गुर्जर खोटाबाई जो 5,000 रुपए का धौलपुर पुलिस से इनामी है उसको गिरफ्तार किया है। सदर पुलिस ने 2,000 का इनामी बदमाश किया गिरफ्तार। बड़ी की प्रमुख खबर। एसपी धर्मेंद्र सिंह के निर्देशन में जिले की पुलिस लगातार इनामी अपराधियों को गिरफ्तार करने में जुटी हुई है। पुलिस उपाधीक्षक बाड़ी मनीष कुमार शर्मा ने बताया कि करौली एसपी द्वारा 2,000 का इनामी
घोषित अपराधी हरि सिंह जो कुख्यात डकैत रामगोपाल उर्फ भोटा की गिरफ्तारी के दौरान पथराव करने का आरोपी भी है, उसे आज सदर थाना प्रभारी हीरालाल के नेतृत्व में गिरफ्तार किया गया। उप अधीक्षक बाड़ी ने बताया कि इनामी अपराधी को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में सदर थाना प्रभारी हीरालाल मीणा के साथ मान सिंह एसआई प्रभारी बिजौली पुलिस चौकी, महावीर सिंह कांस्टेबल बिजौली पुलिस चौकी शामिल रहे। इनामी बदमाश की सूचना देने वालों में बहादुर सिंह हेड कांस्टेबल एवं सुगर सिंह कांस्टेबल बिजौली चौकी की प्रमुख भूमिका रही। शहर का बरसों पुराना सपना होने जा रहा साकार, रिंग रोड की रखी गई आधारशिला, बड़ी की प्रमुख खबर। शहर का बरसों पुराना रिंग रोड का सपना अब जल्द साकार होने जा रहा है। बाड़ी विधायक गिर्रा सिंह मलिंगा ने बसेड़ी रोड स्थित कोल्ड के पास एक पॉइंट पर रिंग रोड की आधारशिला रखी है। करीब 30 करोड़ की लागत से रिंग रोड का निर्माण होगा, जो 12.5 किलोमीटर की लंबाई में बनेगा। रिंग रोड के भूमि पूजन कार्यक्रम में विधायक गिर्राज मलिंगा ने कहा कि बाड़ी शहर में विकास की कहीं कोई कमी नहीं आए, इसको लेकर उनका पूरा प्रयास रहा है। रिंग रोड के साथ सेवरपाली का पुल क्षेत्र के विकास को पंख लगाएगा, साथ में सैपऊ और बसई नवाब क्षेत्र में बाईपास बनने पर दुर्गम सड़क मार्ग अब और आसान हो जाएगा और विकास के नए रास्ते खुलेंगे। रिंग रोड भूमि पूजन कार्यक्रम के दौरान उपखंड अधिकारी राधेश्याम मीणा, पीडब्ल्यूडी के एक्सीएन जीआर सैनी सहित पीडब्ल्यूडी के उच्च अधिकारियों का विधायक ने विशेष आभार जताया, जिनके प्रयासों से रिंग रोड का कागजी काम जल्द पूरा हो सका। कार्यक्रम में नगरपालिका की चेयरमैन कमलेश देवी, ईओ एवं विकास अधिकारी रामजीत सिंह, पीडब्ल्यूडी के एडिशनल चीफ इंजीनियर बीडी इंदौरा के साथ सरपंच राजेश मीणा, मुकेश सिंगल, अध्यक्ष मुन्नालाल मंगल, मुश्ताक अहमद, बद्री सिंह परमार, सैफ शहीद खां, रामवरण शर्मा, भगवती प्रसाद मित्तल, धनीराम गुर्जर सहित गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। बाड़ी से राजू शर्मा की रिपोर्ट। लगा सकते और एक हमारी बाड़ी की रिंग रोड है जो इसी बजट घोषणा में हुई है घोषणा, और इतने कम समय में कि अब अगला बजट आता है उससे। राजाखेड़ा क्षेत्र के देवखेड़ा में हनुमान जी मूर्ति विवाद पर नहीं बनी बात, पागल बाबा ने की शांतिपूर्ण तरीके से मामले को सुलझाने की अपील। राजाखेड़ा की प्रमुख खबर, गत सोमवार राजाखेड़ा उपखंड के देवखेड़ा गांव में हनुमान जी की मूर्ति व मंदिर को लेकर विवाद हुआ था, जिसमें ग्राम पंचायत एवं पुलिस प्रशासन के द्वारा अतिक्रमण का हवाला देकर हनुमान जी के मंदिर को गलत तरीके से ध्वस्त कर दिया गया था एवं हनुमान जी को पुलिस द्वारा थाने ले जाया गया, जिसके चलते देवखेड़ा के ग्रामीणों सहित हिंदू वर्ग में भी खासा आक्रोश है। वहीं देवखेड़ा में एक पक्ष की पंचायत भी रखी गई, लेकिन तमाम प्रयासों के बाद कोई बात बनती नजर नहीं आई। आज पागल दास बाबा के द्वारा देवखेड़ा गांव में बैठक में भाग लिया, इसके बावजूद भी कोई सहमति नहीं बन पाई। साथ ही इस दौरान पागल दास बाबा एवं महंत गणेश दास ने कहा कि पुलिस प्रशासन के द्वारा बेहद गलत कार्य किया गया है, जो कि हिंदुओं के आराध्य बजरंगबली की प्रतिमा को थाने में कैदी के रूप में बंद रखा है। अब तक लोगों ने कैदियों को थाने में बंद होते हुए देखा, लेकिन पहली बार हनुमान जी की मूर्ति थाने में बंद होती हुई दिखी है। हम अपील करते हैं कि मामले को दोनों पक्षों के साथ शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाएं, जिससे शांति बनी रहे व माहौल खराब न हो सके। पूरी ग्राम पंचायत के अलावा क्षेत्र में व अन्य ग्राम पंचायतों में भी जगह जगह अतिक्रमण है, वहां कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे आम जनता में भी एक सकारात्मक संदेश जाता है। राजाखेड़ा से बुद्ध सिंह उदेरिया की रिपोर्ट। हम जान रहे हैं तो आप बताओ, बहुत ज्यादा परेशानी है। तो मैंने कि वैसे हमारी जाति बोल रहे थे खटपट लेवा दे ही है ये कहियो में, पर मैंने गौ माता ने कह लिया हम चले जाएंगे। भगवान प्रेम से बुलाए डोकरा ने कि महाराज जी हम नूना बहुत दिना से देखे हम दर्शन कर लेंगे और महाराज जी घर ही ले आओ, तो हम चले गए वाके जाओ। अब मन कबड्डी खेल चुनौतियों से लड़ना सिखाता है, डॉक्टर चतुर्वेदी, करौली की प्रमुख खबर। राधा कृष्ण कबड्डी क्लब द्वारा करौली पंचायत समिति के ग्राम कीरतपुरा में जिला स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता का शुभारंभ भाजपा नेता डॉक्टर लोकेश चतुर्वेदी ने किया। शुभारंभ अवसर पर सभी को संबोधित करते हुए डॉक्टर चतुर्वेदी ने कहा कि देसी खेल हमें जमीन से जोड़ते हैं और खेल कबड्डी तो हमें चुनौतियों से लड़ना सिखाता है। खेल कबड्डी हमारी भारतीय सोच पुनर्जन्म की अवधारणा को समझाता है। विश्व में सिर्फ कबड्डी ही ऐसा खेल है जिसमें हम बाहर जाकर पुनः अंदर आ सकते हैं, यानी हमें
आउट होकर पुनः खेलने का अवसर प्राप्त होता है। खेल हमारे शारीरिक, मानसिक व बौद्धिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान रखते हैं। आयोजन समिति के अध्यक्ष रामरूप व रतिराम ने बताया कि दिन दिन चलने वाली इस कबड्डी प्रतियोगिता में 15 टीमें भाग ले रही हैं। विजेता को 21,000 व उप विजेता को 11,000 रुपए की राशि इनाम के रूप में दी जाएगी। खिलाड़ी हो चाहे राजनीति का क्षेत्र हो चाहे व्यवसाय का क्षेत्र हो, अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविता जोश और उत्साह का संचार करते हैं। और कबड्डी हमारे जो देसी खेल है, वो चाहे कबड्डी हो, खो खो हो, कुश्ती हो, ये हमें जमीन से जोड़ते हैं। जब हम खेलते खेलते भारत माता की इस मिट्टी में आंचल में लोट पटोट हो जाते हैं, मिट्टी हमारे शरीर को रंग देती है, एक नया जोश नए उत्साह का संचार होता है। और कबड्डी तो एक ऐसा गेम है, ऐसा खेल है जो हमें चुनौतियों से संघर्ष करना सिखाता है। राजकीय विधि महाविद्यालय में पुरस्कार वितरण समारोह संपन्न, धौलपुर की प्रमुख खबर। राजस्थान सरकार के 4 वर्ष पूरे होने पर 19 दिसंबर से 26 दिसंबर तक महाविद्यालय में आयोजित हुई विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को आज पुरस्कार प्रदान किए गए। महाविद्यालय के प्राचार्य आरसी मीणा ने बताया कि प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त छात्र छात्राओं को प्रमाण पत्र एवं मोमेंटो सह आचार्य डॉ. नीलू गोयल, डॉ. महत्तम एवं हेमलता मीणा ने प्रदान किए। कार्यक्रम प्रभारी सहायक आचार्य चंद्रशेखर दीक्षित ने बताया कि सभी प्रतियोगिताओं में महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने उत्साह पूर्वक भाग लिया। प्रतियोगिता में इनाम प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में आकृति, मनीष कुमार, रामलखन, जतिन मीणा, प्रज्ञा बैंसला, राधा शर्मा, सोनू कुमार, अनिल कुमार आदि रहे। मंच संचालन सहायक आचार्य चंद्रशेखर दीक्षित ने किया। पूर्व सभापति रितेश शर्मा का कॉलोनी वासियों द्वारा स्वागत कर विधानसभा चुनाव लड़ने का आग्रह किया, धौलपुर की प्रमुख खबर। पूर्व सभापति रितेश शर्मा का मधुबन कॉलोनी बाड़ी रोड धौलपुर में कॉलोनी वासियों ने फूलमाला पहनाकर स्वागत किया। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर मधुबन कॉलोनी वासियों ने रितेश शर्मा का स्वागत कर कहा कि आप किसी भी पार्टी से विधायक का चुनाव लड़ें, कॉलोनी आपके साथ है। सभापति के पद पर रहते हुए आपने धौलपुर में जो विकास किया है आज तक किसी ने नहीं किया। धौलपुर की जनता आपको विधायक के रूप में देखना चाहती है। रितेश शर्मा ने कहा कि आप लोगों का जो मुझ पर भरोसा है वह भरोसा ऐसे ही बना रहे, मैं हमेशा आपके साथ हूँ, आप लोगों के बीच मेल मिलाप करता रहूँ, यही मेरा कर्तव्य है। मदन लाल शर्मा, ठाकुर विश्राम सिंह, शिवशंकर शर्मा, गजेंद्र सरपंच, रामजीलाल शर्मा, देवेंद्र शर्मा, रामू ठाकुर, लोकेंद्र सिंह ठाकुर, लोकेंद्र शर्मा, अरविंद शर्मा, उमेश शर्मा, पूर्व सरपंच और कॉलोनी के गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। धौलपुर से वीवीएन ब्यूरो के लिए रनीश तिवारी की रिपोर्ट। 2023 एक हमारे परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। यूं तो कोई किसी को नहीं निकालता, खूब लोग चुनाव हारते हैं और उनका जीवन चल रहा है, लेकिन हाँ मैं ज़रूर मानता हूँ कि राजनीतिक दृष्टि से और ये 2023 हमारे परिवार के लिए बड़ा एक महत्वपूर्ण चुनाव है। आप लोगों को अगर ऐसा लगता है कि इस परिवार ने कभी कुछ हमारे संग अच्छा किया होगा, कुछ बुरा नहीं किया होगा, तो ये परिवार राजनीति में रहना चाहिए, ख़त्म नहीं हो, यहीं विराम नहीं लग जाए, तो सच्चाई ये है कि 2023 का चुनाव हमारे राजनीतिक जीवन को तय करेगा। अगर आप लोग चाहेंगे और अगर जीत हो गई तो हो सकता है 10-15 साल और खींच ले राजनीति या इस विरासत को, कोई बात नहीं, हमने कोई रजिस्ट्री नहीं कराई है, कोई बचपन से लिखा के नहीं लाए कि एमएलए बनना ही बनना है, किसान नेतागिरी करनी करनी है, समझ जाएंगे कि और लोगों को स्वीकार नहीं है, घर बैठो और लोग प्रजातंत्र है, और लोग आएंगे टाल टोकेंगे और नेतागिरी करेंगे। हाँ लेकिन ये ज़रूर एक इच्छा है कि कोशिश करूँ आप लोगों के बीच में ये बना रहूं, परिवार बना रहे, इसी इच्छा से मुझे लगता है कि अगर आप लोग, मैं अकेला कुछ भी चाहूं कुछ नहीं कर सकता, मेरा काम तो एक वो जैसे वो ट्रेन नहीं होती सा कि 20-25 किलोमीटर तो क्या है कि वो ट्रेन का इंजन ट्रेन को खींचता है, 25 किलोमीटर के बाद में जो बोगियां होती हैं वो इंजन को धक्का देती हैं। राज्य सरकार के 4 वर्ष पूरे होने पर ग्राम पंचायत सखवारा में हुई विशेष ग्राम सभा, धौलपुर की प्रमुख खबर। सैफई तहसील के ग्राम पंचायत
सकवा रामायण गत दिवस राज्य सरकार की 4 वर्ष पूरे होने पर कल्याणकारी योजनाओं के बारे में विशेष ग्राम सभा का आयोजन राजीव गांधी सेवा केंद्र सखवारा में किया गया। इस अवसर पर ग्राम पंचायत सरपंच मुकेश रावत ने कहा कि राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा है, जिससे आम आदमी को बहुत बड़ा लाभ पहुंचा है। कार्यक्रम में इंडियन गैस एजेंसी मनिया के प्रबंधक एवं टीम द्वारा गैस सिलेंडर के उपयोग करने की विधियां एवं सावधानियों के बारे में आमजन को विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि सिलेंडर को हमेशा सीधा रखना चाहिए, चूल्हा सिलेंडर से ऊंचे स्थान पर हो, हर 5 वर्ष में गैस पाइप को बदलना चाहिए तथा गैस की गंध आने पर एजेंसी के मोबाइल नंबर अथवा टोल फ्री नंबर 1906 पर कॉल करना चाहिए। इस मौके पर कृषि पर्यवेक्षक ने ग्रामीणों को कृषि संबंधी जानकारी दी। इस अवसर पर सरपंच मुकेश रावत, उप सरपंच प्रतिनिधि सुरेश चंद शर्मा, कृषि पर्यवेक्षक सोनवीर सिंह, ग्राम विकास अधिकारी सहदेव सिंह, गैस एजेंसी प्रबंधक सुभाष चंद एवं अरुण शर्मा तथा समस्त वार्ड पंच एवं ग्रामवासी उपस्थित रहे। समाज के उत्थान हेतु युवाओं को आगे आना होगा। डॉक्टर सत्यपाल मीणा, बाड़ी की प्रमुख खबर। गांव में सकारात्मक सोच और रचनात्मक कार्यों द्वारा जन जागरूकता पैदा करना और शिक्षा के अलख जगाने एवं विकास के लिए जन चेतना पैदा करने के उद्देश्य के रूप में सोच बदलो गांव बदलो टीम का गठन हुआ। इसी क्रम में टीम की ओर से मीणा समाज के प्रतिभा सम्मान समारोह एवं विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन बाड़ी उत्थान परिसर में हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ हरियाणा कैडर के IAS अधिकारी हितेश मीणा, सेवानिवृत्त सीनियर IAS PR मीणा, सेवानिवृत्त एडिशनल चीफ सेक्रेटरी MP कैडर PC मीणा, वाइस चांसलर इग्नू डॉक्टर मनरूप मीणा, आयकर आयुक्त इंदौर एवं संस्थापक SBGBT डॉक्टर सत्यपाल सिंह मीणा एवं मीणा समाज के पंच पटेलों के द्वारा मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर एवं पुष्प अर्पित कर किया गया। प्रतिभा सम्मान समारोह में रक्तदान करने वाले रक्तदाताओं एवं मीणा समाज की विभिन्न क्षेत्रों में सराहनीय योगदान देने वाले प्रतिभाओं का सम्मान किया गया। वाइस चांसलर इग्नू डॉक्टर मनरूप मीणा, IAS हितेश मीणा, सेवानिवृत्त IAS PR मीणा ने कहा कि बच्चों को अच्छे संस्कार और अच्छी शिक्षा के लिए प्रेरित करना चाहिए। उन्होंने टीम सोच बदलो गांव बदलो की सराहना की। आयकर आयुक्त डॉक्टर सत्यपाल मीणा ने संबोधित करते हुए कहा कि टीम सोच बदलो गांव बदलो का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की अलग जगाना है। रक्तदान शिविर में 150 से अधिक रक्तदाताओं ने रक्तदान किया। इस अवसर पर समाज के गणमान्य व्यक्ति व प्रतिभावान विद्यार्थी व अभिभावक सहित अन्य उपस्थित रहे। सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर गब्बर सिंह मीणा, ब्लॉक सीमा चौबाड़ी। आज 25 दिसंबर 2022 को उत्थान भवन बाड़ी में तृतीय रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सभी हमारे युवा बंधु और अपने सोच बदलो गांव बदलो टीम के माध्यम से इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसके मार्गदर्शन। हाँ नमस्कार। आज सोच बदलो गांव बदलो टीम के द्वारा माननीय डॉक्टर सत्यपाल जी मीणा साहब के मार्गदर्शन में तृतीय रक्तदान शिविर का आयोजन उत्थान परिसर बाड़ी में किया जा रहा है, जिसमें हमारे सभी युवाओं में एक नया जोश और नई उमंग के साथ रक्तदान किया जा रहा है और बड़ी संख्या में हमारे डोनर। आज यहाँ पर बाड़ी उत्थान परिसर में रक्तदान समारोह चल रहा है और यहाँ पर सभी लोग, बहुत सारे लोग आकर के रक्तदान कर रहे हैं। मैंने भी यहाँ पर आकर के रक्तदान किया है और मैं पहले भी कम से कम 10 बार हर साल मतलब रक्तदान करती हूँ और अब तक लगभग मैंने 10 बार रक्तदान कर चुकी हूँ। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहती हूँ कि सभी महिलाओं को आकर के इस तरह से रक्तदान करना चाहिए, ताकि जब भी कभी जैसे किसी को ज़रूरत पड़े तो हम उसकी रक्त की कमी को पूरा कर सकते हैं। ABVP जिला छात्रा प्रमुख काजल परमार ने SFS के तहत गरीब बच्चों को गर्म कपड़ों का वितरण किया। बाड़ी की प्रमुख खबर। दिनांक 26/12/2022 को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की जिला छात्रा प्रमुख काजल परमार ने बेहद गरीब बच्चों व आर्थिक तंगी से जूझ रहे बच्चों को बढ़ती हुई सर्दी को देखते हुए ऊनी वस्त्रों का वितरण किया। छात्रा प्रमुख काजल परमार ने बच्चों को आगे बढ़ने के साथ जीवन में सफलता हासिल करने के लिए उत्साहित किया और कहा कि इस प्रकार जो गरीब तबके से आते हैं, उनके लिए समाज को आगे बढ़कर मदद करनी चाहिए। ऊनी वस्त्रों को देखकर बच्चों के चेहरे खुशी से दिखाई दे रहे थे। इस सर्द मौसम में इन गरीबों के लिए हर संभव मदद का प्रयास सभी को करना चाहिए।
आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के आयाम SFS के द्वारा गरीब बच्चों व अच्छी बस्ती में रहने वाले बच्चों को ऊनी कपड़ों का वितरण किया गया था। बढ़ती हुई सर्दी को देखकर ऊनी कपड़ों का वितरण किया गया और एक अच्छी बस्ती वाले लोगों के पास ज़्यादातर रोजगार नहीं होता है तो उन्हें आर्थिक तंगी से जूझना पड़ता है। इनके लिए मैं हर मदद करने का संभव प्रयास करूँगी। धन्यवाद। राजकीय महाविद्यालय में आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं का पुरस्कार वितरण संपन्न। धौलपुर की प्रमुख खबर। राजकीय महाविद्यालय में राजस्थान सरकार के विभिन्न फ्लैगशिप योजनाओं पर आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं का पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए प्राचार्य डॉ. सुरेंद्र कुमार जैन ने NCC NSS एवं महाविद्यालय के विद्यार्थियों को इन योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रेरित किया। अतिथि के रूप में पहुंचे बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष प्रशांत हुंडावाल ने अपने विद्यार्थी जीवन की यादों को ताजा करते हुए विद्यार्थियों को हर कार्य को ईमानदारी मेहनत एवं लगन से करने के लिए प्रेरित किया। वहीं HDFC बैंक के शाखा प्रबंधक समयंक जैन, कार्यक्रम प्रभारी डॉ. अंजुल सिंह ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम का सफल संचालक डॉ. अनुज कुमार ने प्रभावपूर्ण उद्घोष द्वारा किया गया। इस अवसर पर NSS कार्यक्रम अधिकारी डॉ. सौरव शर्मा, सोनम अर्चना भान, डॉक्टर रीता देवी सिंह, डॉक्टर मनीषा सक्सेना, डॉक्टर नीरजा शर्मा, डॉक्टर शैली शर्मा, पिंकी मीणा, विनोद गर्ग एवं सैकड़ों छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। धौलपुर से VVN ब्यूरो की रिपोर्ट। मुझे तुम्हें इस छात्र शक्ति से मिलने का मौका दिया, पर मैं जैन साहब की मन की बात भी जान सकता हूँ, अनुज सर की मन की बात भी जान सकता हूँ कि दूसरी पारी चालू होने वाली है और मेरा उस दिन का भाषण मेरे मामले में ज्यादा ही लंबा हो गया था, तो भाषण से तो राम राम करता हूँ मैं, पर मैं इतना कहना चाहूंगा कि भाई बहुत ज्यादा खुशी महसूस होती है कि जब अपनी जगह पर दोबारा आया जाता है, क्योंकि मैं आज जो भी हूँ इस कॉलेज की देन हूँ, इसमें मेरे बिताए हुए 6-7 साल मैं आप कभी जिंदगी में नहीं भूल सकता। वो बारूद वाले पल थे, कहते ना यहाँ की मौज मस्ती, यहाँ की पढ़ाई, यहाँ का अनुशासन, NSS कैंप। स्वर्गीय राकेश विधौलिया त्रिकोणीय क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजित। बाड़ी की प्रमुख खबर। महाराणा प्रताप खेल मैदान में स्वर्गीय श्री राकेश विधौलिया की स्मृति में बांके बिहारी कमेटी द्वारा लेदर बॉल से खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में बाड़ी विधायक गिर्रा सिंह मलिंगा रहे। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में समाज सेवी संजू सिंह परमार, पूर्व चेयरमैन इरफान अहमद, भगवती प्रसाद मित्तल, तेजू पाराशर, अंजनी शर्मा, सीताराम शर्मा, सौरभ परमार, खेल सचिव श्याम रॉय और समस्त बांके बिहारी कमेटी सदस्य उपस्थित रहे। उद्घाटन मैच भारत क्लब और ताज क्लब के बीच 16-16 ओवर का हुआ। भारत क्लब ने टॉस जीतकर पहले खेलते हुए निर्धारित 16 ओवर में 149 रन बनाए, वहीं ताज क्लब केवल 97 रन बना सकी और भारत क्लब ने ये मैच 52 रन से जीत लिया। प्लेयर ऑफ द मैच मुबारक खान रहे, जिन्होंने 3 ओवर में 8 रन देकर 2 विकेट लिए। मैच के अंपायर राजू पटेल और पदम पोसवाल रहे। कर्तव्य पथ पर कठोर मेहनत करनी चाहिए, तभी अच्छे फल की प्राप्ति होगी। खुशबू सिंह, धौलपुर की प्रमुख खबर। शिवम आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय राजाखेड़ा बाईपास रोड में वार्षिकोत्सव एवं पुरस्कार वितरण समारोह धूमधाम के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि नगर परिषद सभापति श्रीमती खुशबू सिंह रही। विशिष्ट अतिथि राजेंद्र नाथ शर्मा, वरिष्ठ अधिवक्ता सिविल कोर्ट थे, जबकि अध्यक्षता थानाधिकारी निहालगंज विजय सिंह मीणा ने की। कार्यक्रम के अंतर्गत मेधावी छात्र छात्राओं को नगर परिषद अध्यक्ष खुशबू सिंह द्वारा पुरस्कृत किया गया। नगर परिषद अध्यक्ष खुशबू सिंह ने कहा कि बच्चों को कर्तव्य पथ पर कठोर मेहनत करनी चाहिए, तभी एक अच्छे फल की प्राप्ति होगी। प्रधानाचार्य महेश शर्मा ने आगंतुक अतिथियों का स्वागत किया। विद्यालय के संरक्षक राजेंद्र कुमार शर्मा एवं महेश शर्मा द्वारा अतिथियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। विषय अध्यापक दीनदयाल त्यागी, गौरव शर्मा, इंद्र सिंह परमार, अचल सिंह, अभिषेक, मेहताब सिंह तोमर, रविशंकर शर्मा, पुष्पा राघव, सैंसी जैन, ऋतु रवि, राजेश, गौरव और अंकित केदार को सम्मानित किया गया। विद्यालय सचिव योगेश शर्मा ने धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम का संचालन सौरभ ने किया। त्रिकोणीय क्रिकेट प्रतियोगिता में भारत क्लब विजेता। बाड़ी की प्रमुख खबर। त्रिकोणीय क्रिकेट टूर्नामेंट में आज का मैच भारत क्लब और प्रिंस क्लब के बीच खेला गया, जिसमें भारत क्लब ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया, जिसमें पहले खेलते हुए भारत क्लब ने निर्धारित 20 ओवरों में 163 रन बनाए, जिसमें
आलोक परमार ने 25 गेंदों में 26 रन और अनु सिंह ने 26 गेंदों में 28 रन और सौरभ परमार ने 31 बॉल पर 29 रन बनाए। वहीं प्रिंस क्लब की पूरी टीम 112 रन पर ऑल आउट हो गई, जिसमें अरविंद बंसल ने 23 गेंदों पर 21 रन बनाए, राजू पटेल ने 33 गेंदों पर 17 रन बनाए। भारत क्लब ने ये मैच 51 रन से जीत लिया। प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब 4 ओवर में 20 रन देकर 3 विकेट लेकर इवान पठान को दिया गया। मैच के एम्पायर पवन दीक्षित और मोहम्मद हाफिज रहे। वहीं कमेंटेटर की भूमिका में श्याम रॉय और स्कोरर की भूमिका में एजाज खान रहे। आज के मुख्य अतिथि समाज सेवी संजू सिंह परमार और पंचायत समिति प्रधान अजय सिंह मलिंगा रहे। राजाखेड़ा महाविद्यालय में मॉडल स्टेट राजस्थान के फ्लैगशिप प्रतियोगिता संपन्न। राजाखेड़ा की प्रमुख खबर। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय राजाखेड़ा में मॉडल स्टेट राजस्थान की फ्लैगशिप योजना प्रतियोगिता 19 से 26 दिसंबर के बीच आयोजित की गई, जिसका समापन आज 26 दिसंबर सोमवार को हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में दिनेश कुमार तहसीलदार, महाविद्यालय प्राचार्य के श्रीवास्तव, कार्यक्रम अधिकारी मानसिंह मीणा, अमर गोस्वामी। इस प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी विद्यार्थियों को मिल सके। इसमें विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें विजेता विद्यार्थियों को सील्ड एवं प्रमाण पत्र देकर पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम का संचालन बादाम सिंह एवं चंद्रशेखर ने किया। राजाखेड़ा से बुद्ध सिंह उदनिया की रिपोर्ट।